नमस्कार, एक बार फिर सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। हमने फिर से जर्नी स्टार्ट कर दी है। हमारे साथ हैं बलवंत, जो हमें लेकर जा रहे हैं। बलवंत, कहाँ लेकर जा रहे हैं हम? बांटा को जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ज्ञान सरोवर, ब्रह्मा कुमारी। हाँ, अभी सबसे पहले ज्ञान सरोवर देखिए। हमने ये आबू रोड से टैक्सी बुक की है और अब हम ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कुमारी जा रहे हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, काफी हाइट पर है। कितना हाइट होगा लगभग? ये पूरा हाइट है 5300। 5300 पूरा हाइट है जी। स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं जी। जी, चलिए हम पहुंचकर देखते हैं वहाँ क्या कुछ आपके लिए खास है और आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 50 रुपए टैक्स कटता है। हमारे साथ बलवीर जी मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे। यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं जी। यहाँ पे अभी ये टैक्स लेते हैं, टूरिस्ट टैक्स है, जो नगर पालिका मेंटेनेंस चार्ज वगैरह लेता है, साफ सफाई वगैरह। हाँ। मान टाउन पूरा फ्री है देखने के लिए, कोई टिकट कहीं कोई भी टिकट नहीं है। हाँ। नगर पालिका यहाँ पे साफ सफाई मेंटेनेंस चार्ज ले लेता है। फाइनली हम ज्ञान सरोवर आ चुके हैं और यहाँ से हम, ये ज्ञान सरोवर का गेट है, आप हमारे पीछे का नज़ारा ये देख रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ज्ञान सरोवर अपने आप में एक अद्भुत कला का एक प्रतीक है और इस चीज़ को हमारे सामने यहाँ के लोगों ने प्रदर्शित किया है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फूलों की बगीचा बनाया गया है और फिर से एक नई विजिट पर हम लोग निकल चुके हैं। बरवीर भाई, कहाँ लेकर चल रहे हैं? अभी ग्लोबल हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ, ब्रह्मा कुमारी का है। अच्छा, चलिए तो फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। देखा आपने हमारे साथ ग्लोबल हॉस्पिटल, जहाँ पर आप स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ आकर दिखा सकते हैं। अब फिर से एक नई विजिट पर चलते हैं। हमारा फिर से एक नया विजिट प्रारंभ हो चुका है। कहाँ लेकर जा रहे हैं बलवीर भाई? अभी हम पूरा माउंट आबू का जो फेमस है नक्की लेक, वहाँ विजिट करेंगे। तो वहाँ बोटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, शॉपिंग का भी अच्छा है उधर, वो आप कर सकते हो। चलिए तो फिर चलते हैं। जी जी बिल्कुल, ओके। देखो आप ये नक्की लेक का नज़ारा देख सकते हैं। सामने ये
पानी के बीचों बीच ये बोट बनी हुई है जहाँ पर म्यूजिक भी बज रहा है और ये लवल आप बिल्कुल तालाब ये झील ये भरी हुई है। यहाँ पर लोग मछली को दाना भी खिलाते हैं। ये सामने देख सकते हैं ये आसमान में बादल भी उड़ रहे हैं। ये जब आप ऊपर जाते हैं तो आप बादलों को हाथ से भी छू सकते हो। हम इस वक्त नक्की झील के बीचों बीच मौजूद हैं जहाँ पर हम बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी लोग भी यहाँ पर बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। एक सोचने वाली बात यह है कि चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं और बीच में ये नक्की झील है। लगभग 2 किलोमीटर में ये नक्की झील फैली हुई है। कुदरत का एक ये अनोखा करिश्मा है कि जहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं, पानी आने का कोई विशेष इंतज़ाम नहीं है, फिर भी नक्की झील पानी से लबालब भरी हुई है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, अगर माउंट आबू घूमने आते हैं, तो आपको नक्की झील ज़रूर आना चाहिए। जो लोग पेडल बोट में घूमते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना हो, पानी का जो उछाल है वो अधिक ना हो जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्टीमर बोट नहीं लगाई है। तो लोग अपनी मस्ती में यहाँ पर आनंद कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पेडल बोट का आनंद ले रहे हैं। बीचों बीच एक मंदिर भी स्थापित है और बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी नक्की झील पर आएँ और इस तरह की बोटिंग का आनंद जरूर लें। पांडु भवन के लिए हम लोग रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे मित्र मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि पांडु भवन में क्या कुछ खास है। पहले से क्या खास है वहाँ पर चलने से पहले कुछ बताएंगे? पांडु भवन में ब्रह्मा कुमारी का है ये। हाँ। और यहाँ पे यूनिवर्स हॉल है जो बहुत सारी पब्लिक एक जगह बैठ सकती है। हाँ। और बहुत पीस मिलता है उधर वो जाके, तो देखते जाके क्या होता है। ठीक, चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं पांडु भवन में क्या कुछ खास है। अब हम दिलवाड़ा टेंपल के लिए निकल चुके हैं और हमारे साथ हमारे मित्र मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि अब दिलवाड़ा टेंपल में क्या खास है। दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, उसकी जो नक्काशी जो बनावट है ना वो बहुत देखने लायक है। वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी एशिया। हाँ। में कहीं नहीं मिलेगी, पूरे वर्ल्ड में फेमस मंदिर है ये। हाँ। तो आप किसी बनावट आप देखोगे ना, जो बारीकी जो काम है वो आपने कहीं देखा होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। किस समाज को बिलोंग करता है ये मंदिर? ये जैन समाज को बिलोंग करता है। जैन समाज है, सुबह 9 से लेके 12 बजे तक जैन समाज के लिए खुला रहता है। हाँ। अदर पीपल अलाउड नहीं होते उसमें। और 12 से 5 बजे तक कोई भी अंदर जा सकता है, क्योंकि जैन समाज वाले पूजा पाठ करते हैं, इसलिए उनको क्या दूसरी पब्लिक अलाउड नहीं होती। ओके। और ये पूरा जैन समाज के ट्रस्ट में ही अंडरटेक है। दिलवाड़ा टेंपल हम आ चुके हैं और यहाँ से सीधा प्रवेश अंदर के लिए कर रहे हैं। रास्ते में है सीधा ये प्रवेश गेट है जहाँ से हम एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं। जैन समाज का प्रमुख आस्था का केंद्र ये मंदिर है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। ब्रह्म कुमारी की तरफ से इसे भी अपने पर्यटन क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं जहाँ पर लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं।
फाइनली हम हिमाचलगढ़ जा रहे हैं जहाँ पर हमें धार्मिक स्थल देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी ये रास्ता है और हमारे भाई जो है बलबीर भाई ये हमें लेकर चल रहे हैं हिमाचलगढ़। हिमाचलगढ़ में क्या खास है बलबीर जी? हिमाचलगढ़ बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, पुराना मंदिर है शिव जी का और यहाँ पे शिव जी का अंगूठा है जी। बताते हैं लोग बताते हैं कि जो शिव जी का अंगूठा है जो पड़ले हुआ था तो शिव जी ने अपने अंगूठे से उसको रोका था। अच्छा, तो वो इधर है, अपन को देखने को मिलेगा। अच्छा, पुरानी मान्यताएं हैं कि शिव जी ने अपने अंगूठे से प्रलय को रोका था और वही अंगूठा यहाँ पर है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है हिमाचलगढ़ में। ये हम हिमाचलगढ़ मंदिर पहुँच चुके हैं, यहाँ से ये द मेन गेट है, गेट से सीधा अंदर पहुँचेंगे और यहाँ से आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। फाइनली हम ब्रह्म कुमारी आश्रम के पीस पार्क आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी भीड़ है पीस पार्क के अंदर का नज़ारा देखने के लिए। अंदर हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ खास है आपके लिए पीस पार्क के अंदर। पीस पार्क के अंदर बनी अमरनाथ गुफा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये अमरनाथ गुफा है जहाँ पर आप जा सकते हैं। ये पीस पार्क के अंदर अमरनाथ गुफा बनाई गई है जहाँ पर आपको दर्शन होंगे। देखिए ये गुफा के अंदर आप जा रहे हैं। ये गुफा से आप बाहर आएंगे, ये बाबा भोले के दर्शन करिए आप यहाँ पर। ये क्या कहा, परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलयुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है। सकते हैं आप हमारे पीछे पीस पार्क का पूरा नज़ारा यहां से दिखाई दे रहा है। आप देखिए कितने बड़े ग्राउंड में कई एकड़ में ये पूरा पार्क बनाया गया है जहां पर बहुत ही सुंदर नज़ारा ऊपर से दिखाई दे रहा है। जड़ी बूटियों के साथ यहां पर फलदार वृक्ष वाले पेड़ और सुंदर पेड़ भी यहां पर लगाए गए हैं। फाइनली हमने अब ये जर्नी समाप्त कर ली है। आबू रोड के जितने भी स्थान थे, मेन मेन पॉइंट थे, वो सारे आपको दिखाए हैं। बलबीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हम एक पहाड़ी के बिल्कुल पास नज़दीक खड़े हुए हैं। काफ़ी फॉग दिखाई दे रहा है, गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद भी बादल हमें छू कर निकले हैं कई बार। बलबीर भाई हमने कितने पॉइंट देखे हैं जी? हमने पहले ज्ञान सरोवर देखा, ज्ञान सरोवर के बाद फिर वो ग्लोबल हॉस्पिटल देखा और उसके बाद फिर नक्की लेक देखा, फिर पांडव भवन, रेलवाड़ा जैन मंदिर, हिमाचलगढ़ एंड पीस पार्क। पीस पार्क जो लोग भी यहाँ आकर देखना चाहते हैं, यहाँ विजिट करना चाहते हैं, वो कैसे प्लान करें, किससे संपर्क करें? जी आप 2 दिन का प्लान कर सकते हैं, 2 दिन के लिए आपको इनफ हो जाएगा बढ़िया से घूमने का। हाँ, और आप संपर्क या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा नाम बलवंत है और मेरा मोबाइल नंबर है 9587177703। आप कॉन्टेक्ट करके आप और भी बेसिकली आजू बाजू में जो भी है उसकी आप राय ले सकते हैं और उसका सजेशन आपको मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि काफ़ी महंगा पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इतना महंगा नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे वीकेंड में थोड़ा महंगा रहता है,
लेकिन ऑफ सीजन में भी ऑफ़सीजन चलता है, जैसे दीपावली के आसपास थोड़ा सीजन रहता है, थोड़ा रश रहता है, थोड़ा महंगा होता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन अपने पास है कि अपन नीचे भी रुक सकते हैं और वहाँ से अपन पूरा घूम के वापस शाम को नीचे जा सकते हैं। वन डे में आपका पूरा कवर हो सकता है। जो नए लोग हैं उनको जैसे घूमना हो तो वो पहले कहाँ पर आएँ, कहाँ रुकें, फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने? जी, नए लोग हैं, अगर ऑफ सीजन में अगर ज़्यादा बजट नहीं है, कम बजट में आप करना चाहते हैं, तो पहले आप रेलवे स्टेशन उतर के और नियर बाय आप होटल लेके जो 1500 में एसी रूम भी मिल जाएगा, फिर वहाँ से टैक्सी हायर करके सुबह मॉर्निंग निकले और पूरा घूम के और शाम को सनसेट तक निपटा के और शाम को नीचे वापस आ सकते हो और पूरा कवर हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। टैक्सी भी अलग अलग चार्जेस में कितने से स्टार्ट हो जाती है टैक्सी? जी, टैक्सी मिल जाती है 2000 से 2500 तक में मिल जाएगी आपको, इंक्लूडिंग ऑल रहेगा, सारे पॉइंट बताएंगे। जब भी हमारे पास टाइम की कमी थी इसलिए हमने गुरु जी कवर नहीं कर पाए अभी, और अभी और एक सनसेट जो रहता है उस सर का ट्रेन का टाइम था इसलिए वो सनसेट सेट नहीं बैठा, इसलिए वो टाइम की इशू के हिसाब से दो पॉइंट हमारे रह गए, वो नेक्स्ट टाइम सर करेंगे। लेकिन वो भी कवर कर सकते हैं अपन? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, अभी फुल टाइम है, फुल टाइम है। तो ये थे हमारे साथ हमारे जो मित्र जो हमें काफ़ी चीज़ें हमें बता रहे थे कि यहाँ पर आपको कवर करना है तो इतनी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं और बहुत सस्ते बजट में भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। ऐसी ही कई जगह हम आपको लेकर चलेंगे, ऐसी ही कई पॉइंट हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जो हमने आपको जर्नी कराई है आप उसको देखिए और जैसी भी आपको हमारी जर्नी लगी है उस पर कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारी जर्नी कैसी लगी है। आप इजाज़त दीजिए अपने दोस्त जे के आशु को और बने रहिए सिटी न्यूज़ 18 पर।